मेरे सभी भाई बहनों को राम राम। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज मैं आपको गले का डिज़ाइन बता रही हूँ। ये स्क्वायर कट कर लिए हैं मैंने और ये हैं ढाई बाई ढाई के, और ये छोटे वाले किए हैं मैंने पौने दो दो के, और ये ऐसे ट्रायंगल बना के इस पे ऐसे सिल लेंगे। अब इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। अब ये छोटे वाला है वाइट वाला, अब इसको ऐसे बना लेंगे और ये ऐसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी ऐसे ही तैयार किए हैं। अब ये पट्टी ली है मैंने, ये पट्टी मैंने लंबी ली है, ये 20-25 इंच के आसपास है ये पट्टी। अब इसको रख के इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इसी के ऊपर और ये सिलाई लगा देंगे। अब हम सभी को ऐसे ही रखते जाएंगे ऐसे, और अब इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और ये स्टिच कर देंगे। अब इसको भी ऐसे ही रख के ऐसे स्टिच कर देंगे। चैनल पे कोई न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सभी को ऐसे ही करते जाएंगे। ध्यान से देख ले, ये देखिए मैं सभी को ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। बीच में कट नहीं किया है मैंने वीडियो को। ऐसे बराबर रखना है ये सभी पट्टियाँ। ये देखिए सभी को ऐसे ही सिलते जाएंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके अब सिलाई लगा दें। ये एक पैर की सिलाई है। ऐसी सिलाई लगा के अब हम इसको सीधा कर देंगे और ये आसानी से सीधा हो जाएगा। ये देखिए ये आसानी से सीधा हो गया। अब इसको हम सुई से टांका लगा देंगे। ये उठेगा नहीं ऊपर, सभी पे ऐसे ही कर देंगे। अब ये हमारा सूट का अगला भाग है और ये मैं अगले भाग पे ही लगा रही हूँ। ये हम बीच में निशान लगा लेंगे और ये जितना गला तैयार है हमारा ऊपर से उस पे निशान लगा के अब तब इस पट्टी को रखेंगे जो ये हमने डिज़ाइन बनाया है इसको। ये बीच में निशान लगा दिया है। अब पट्टी का बीच कर लेंगे ऐसे और ये ऐसे किनारी से सिलाई लगा देंगे। हमने ये देख लेना है हमारी पट्टी बीच में रखी है।
ऐसे किनारी से सिलाई लगा दें। डिजाइन कैसा लग रहा है दोस्तों बताना। इस पे अगर स्टोन वगैरह लगाना चाहते हो तो आप स्टोन वगैरह लगा सकते हो। आप इस पे ये गला तैयार करके मैंने अब ये गला लगाना है गोल वाला। और ये देखिए ये गला हमने इतना ही तैयार करना है जहाँ तक हमारा डिजाइन है। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ के और इस पे अब मैं पाइपिंग निकालूंगी गले पे। ये ऐसे हमारा गला तैयार हुआ है। अब मैं ये उरेब में पट्टी काट ली है पाइपिंग निकालने के लिए। अब इसको फोल्ड करके ऐसे और ये पाइपिंग को मैंने सीधी साइड में ही रखा है नीचे और ये किनारी से सिलाई लगा रही हूँ मैं। बिल्कुल किनारी से सिलाई लगानी है, हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी निकल के आएगी। ये देखिए अब इसको ऐसे फोल्ड कर दें अंदर। ये देखिए बिल्कुल बारीक पाइपिंग निकल रही है और बराबर निकल रही है, कहीं से चौड़ी या कम नहीं हुई है। जितनी बारीक या हम जितनी मोटी निकालना चाहें वैसी निकल सकती है ऐसे। ये देखिए ऐसा लगा हमारा गला। कैसा लगा दोस्तों गला बताना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।